पिछड़े जिलों की साक्षरता दर को 74% से ऊपर ले जाएंगे। ये दावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने किया। शुक्रवार को इंडोर स्टेडियम में अक्षर सम्मान समारोह हुआ, जिसमें केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी पहुंचे, जहां मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिवस पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किया। सम्मान समारोह में बतौर अतिथि पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ के विकास के नायक और जननायक हैं। मैं यहां जब भी आता हूं, मुझे एक नई ऊर्जा मिलती है। जावड़ेकर ने कहा कि यहां के छात्रों में अद्भुत प्रतिभा है। यहां के जो आदिवासी बच्चे आज उच्च शिक्षा में आगे आ रहे हैं, तो ये सब रमन सिंह के कारण संभव हो रहा है। घोर नक्सल इलाकों में भी शिक्षा पहुंचाई गई है, तो वो रमन सिंह ने पहुंचाई है। इसके लिए उन्होंने सीएम और अधिकारियों को बधाई दी। वहीं डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि अभी प्रदेश में 74% साक्षर हैं। इस अभियान को और आगे बढ़ाना है, सभी को साक्षर बनना है। हमारा टारगेट अब सुकमा, बीजापुर, बस्तर, कोंडागांव, कबीरधाम, बलरामपुर होगा, जहां साक्षरता की दर कम है। इन पिछड़े जिलों की साक्षरता का दर 74% से ऊपर ले जाएंगे। इस बात का हम आज यहाँ से निश्चय करके जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अक्षर सम्मान समारोह में इस वर्ष रायपुर जिले को प्रथम स्थान मिला, तो वहीं दूसरे स्थान पर बलरामपुर जिला रहा। इसके अलावा प्रदेश की कई तहसीलों को भी सम्मानित किया गया। दंतेवाड़ा जिले से सम्मान प्राप्त करने वाली टीम की सदस्य ने बताया कि कैसे उन्होंने दंतेवाड़ा जेल में कैदियों को साक्षर बनाया है। उन्हें कंप्यूटर की जानकारी देकर बेसिक तौर पर कंप्यूटर सिखाया है और आज ये सम्मान पाकर उन्हें बेहद खुशी हुई है। हमारे जिले को राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार 8 सितंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मिल चुका है और उसी परिप्रेक्ष्य में आज मुख्यमंत्री अक्षर सम्मान से नवाजा गया। हमारे जिले में हमने अपने जेल में, जिला जेल में नक्सली बंदियों को पूर्णतः साक्षर किया और आज की डेट में दंतेवाड़ा जिले का जिला जेल पूरी तरह से साक्षर जेल है, जिसमें सभी नक्सली बंदी साक्षर हैं। साथ ही हमने दूरस्थ क्षेत्रों में कंप्यूटर लिटरेसी पर बहुत वर्क किया, जिसके आधार पर हमको ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का स्वागत शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बुके की जगह बुक देकर किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन पर आधारित पुस्तकें प्रदेश के सभी स्कूलों की लाइब्रेरी में भेजी जाएंगी, ताकि स्टूडेंट्स पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन को करीब से जान सके। कार्यक्रम की सबसे खास बात ये रही कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने छत्तीसगढ़ के लोगों की जमकर तारीफ की। उन्होंने मंच से कहा कि आज कार्यक्रम के पूर्व मैं देख रहा था बाहर लगे स्टॉलों में कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी कंप्यूटर चला रही थी। ये देखकर मन गदगद हो गया कि वाकई में मेरा देश बदल रहा है, छत्तीसगढ़ के लोग सच में एक्टिव हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।